हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी क्या है और ये किस केस केसेस में यूज किया जाता है उस बारे में। बेसिकली एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें हम हृदय की और बाकी की शरीर की नलियों में कोई ब्लॉकेज है या नहीं उसको देखने के लिए कैथेटर हार्ट की नली के पास लेके जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं जिसमें मशीन में फ्लोरोस्कोपी मशीन में उसकी फोटो आ जाती है और ब्लॉकेजेस वगैरह कितने हैं इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। बेसिकली एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव टेस्ट है जिसके लिए हमें 3 से 4 घंटे पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत है और कभी कभार किसी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड एलर्जी हो सकती है, किडनी का डैमेज हो सकता है और जान का भी कभी कभार खतरा हो सकता है। इसीलिए एंजियोग्राफी एज अ फर्स्ट टेस्ट हम कभी भी नहीं करते। अगर किसी पेशेंट को सांस का तकलीफ है, छाती में दर्द वगैरह का प्रॉब्लम है, चलने में सांस फूल रही, घबराहट वगैरह हो रही है, कार्डियक सिम्टम्स है, वैसे पेशेंट में हम बेसिकली इको ईसीजी ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। और इस तरह के टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है या हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के टेस्ट में कोई नॉन डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो ही हम एंजियो करते हैं, नहीं तो नहीं करते।